जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं ट्रक मास्टर्स इंडिया में, और आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी सेकंड जॉब करने वाले हैं, क्योंकि भाई मल्टीप्लेयर अभी ये नया फीचर आया है जैसे कि आपको पता ही होगा, और इसके लिए हम लोगों को देखिए लिख करके भी आ गया कि अभी टू जॉब्स करनी है। तो हम लोगों ने एक जॉब कर ली है, एक जॉब करनी और बाकी है, और जल्दी से शुरू करते हैं, चलते हैं जॉब मार्केट में। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं अलग अलग तरीके की। भाई अभी देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर नेस्ले कंपनी का बनारस से बिहार जाने का ये रूट है, जो कि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। तो ये हम लोग लेकर के जाने वाले हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ भाई यहाँ पे है कि हम लोग नेस्ले से दूध लेकर के जा रहे हैं अमूल फैक्ट्री। तो यार ये थोड़ा सा एक अलग वाली बात हो गई, क्योंकि अभी तक तो सुना था कि भाई अमूल सबको दूध सप्लाई करता है, मगर यहाँ पर इन लोगों ने बिल्कुल उलट पलट कर दिया, नेस्ले अमूल को दूध सप्लाई कर रहा था। आप सोच सकते हो भाई क्या घपला चल रहा है। कोई बात नहीं, हमारा कंटेनर जो दूध का है वो पीछे खड़ा हुआ है, और हम लोग को इसको लेकर के जाना है भाई बिहार। लगभग यहाँ पे देखो दिखा रहा है 72 किलोमीटर। अरे ये क्या 300 किलोमीटर अभी दिखा रहा था, ये 72 किलोमीटर है। हो सकता है भाई इनका कोई नया ग्लिच व्लिच आ गया हो, कोई नहीं देख लेते हैं भाई। इन लोगों का भरोसा नहीं है तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और हाँ एक चीज़ और भाई, ये ट्रक जो हमारा है ना टाटा का भाई, इसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अलग ही लेवल का पिकअप इसका चलता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई भागता है ये। अभी अब इसका पिकअप देखिएगा, इतना ज़बरदस्त ही स्पीड पकड़ेगा कि क्या ही कहने भाई इसके। और देखो अभी 70 पे शुरू हुआ, 57 किलोमीटर हो गया है, और समझ में नहीं आ रहा है कि 300 किलोमीटर कैसे भागेगी। तो यार ये सब इनके ग्लिचेज हैं भाई, ध्यान दीजिएगा गेम खेलते समय कि क्या क्या ग्लिचेज इनके आते रहते हैं। ये देखो बहुत मतलब FPS बहुत गिरता है कभी कभी इनका, ये भी बहुत ख़राब वाली बात है। अब देखते हैं वो जो 300 किलोमीटर की जर्नी थी वो इसमें अपडेट कब होगी, क्योंकि अभी देखो 40 ही किलोमीटर दिखा रहा है। हमें नहीं लगता ये दो मिनट की तो वीडियो अभी हो ही चुकी है, और इसके आगे लगता है भाई 2 मिनट की और चलेगी और कम्प्लीट हो जाएगा क्या। खैर देखते हैं। तो देखो फाइनली अब नीचे इन लोगों ने अपडेट कर दिया है GPS में किलोमीटर्स डिस्टेंस, और 233 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है। तो इसका मतलब हम लोगों ने लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है, और अब लगभग 200 किलोमीटर के आसपास और बचा है, क्योंकि 225 है। अब ये 2 मिनट में भाई ये 200 आ ही जाएगा। बाकी आप ट्रैफिक देख रहे होंगे कितना सुचारू रूप से चल रहा है, कितना ज़बरदस्त तरीके से, और यहाँ पर हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लगभग 120 के आसपास पहुँचते हुए, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ रोड पे गाड़ी अपनी भगाते हुए कभी इस पार कभी उस पार। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये आपको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जब हम लोग ट्रेलर ट्रक चलाते हैं, ट्रेलर वाला जब ये वाला जब ट्रक हम लोग चलाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो इनकी जो डिवाइडर्स हैं, जो बीच में रेलिंग लगी हुई है, जो डिवाइडर बने हुए हैं, ये बिल्कुल इसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, और इससे हम लोग आराम से बिल्कुल बीचों बीच में गाड़ी चला सकते हैं, और ये सिर्फ इन्हीं ट्रक्स के साथ है। और ये है हमारा टाटा ट्रक का इंटीरियर, आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त AC कैबिन है। दूसरी चीज़, अभी इन लोगों ने नए ट्रक्स में एक चीज़ भाई और बहुत ही अच्छी चीज़ ऐड कर दी है कि एक ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। अब उसका रियल नाम तो भाई फ़िलहाल पता नहीं है, मगर वो जैसे अभी आप देखेंगे जो GPS है इसके जस्ट बगल में या तो लगा होता है, या अगर आप देखेंगे तो ये स्टेयरिंग के जस्ट ऊपर जहाँ पे ये हैंड बार लगा हुआ है जिसको भाई सपोर्ट के लिए लगाया गया, इसके जस्ट ऊपर लगा रहता है, और वो मॉनिटर करता है बार बार ड्राइवर की आँखों को, और देखता है कि कहीं ड्राइवर अगर सोएगा तो उसमें क्या होता है भाई ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है। तो ये सिस्टम है अभी फ़िलहाल नए ट्रक्स में यहाँ पे इंडिया में आना शुरू हो चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया है। इससे भाई जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर भाई लगातार 3-3, 4-4 दिन गाड़ी चलाना पड़ता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि भाई कभी कभी नींद ख़राब हो जाती है, और मतलब कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी अचानक से नींद भी आ जाती है, गाड़ी चलते चलते आँख लग जाती है, तो उसकी वजह से भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस वजह से वो जो सिस्टम होता है वो जैसे ही डिटेक्ट करता है वो एक अलार्म बजाता है, अगर अलार्म से बंदा जग गए तो ठीक है, अगर नहीं जगह तो ऑटोमेटिक स्पीड स्लो हो जाती है या ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। वो कहने का मतलब वही है कि भाई स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है या ब्रेक लग, ये चीज़ है, ये फीचर इन लोगों ने बहुत अच्छा ऐड कर दिया है। बाकी अभी देखो लगभग 60 किलोमीटर बचा है, लगभग हमारी जर्नी कम्प्लीट होने वाली। एक चीज़ बताते बताते भाई ये पूरी जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है,
अब देखते हैं टाइम कितना लगने वाला है। और लगभग हम लोगों को देखो बिहार पहुंच ही चुके हैं, बनारस से निकले थे। अगर आप बहुत कायदे से ध्यान देंगे ऊपर देखो यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू बिहार। तो अगर आपने थोड़ा सा पीछे करिएगा अगर वीडियो, तो आपको एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ समझ में आएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल शॉर्टकट ले लिया है, तो समझ में भाई आपको ये आएगी कि अगर आप, हम लोगों ने इस जर्नी को शुरू किया था बनारस से और जा रहे थे बिहार। और अगर आप थोड़ा सा वीडियो पीछे लेकर के जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा ऊपर के जो साइन बोर्ड्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलेगा कि भाई उसमें बार बार बनारस भी दिखा रहा था कि आप बनारस के लिए आगे बढ़ते जाइए। मतलब हम लोग शायद बनारस से निकले ही नहीं थे मगर जा बनारस से ही होके गए और बिहार जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं भाई जो इस गेम में चलती रहती है। देखो किलोमीटर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, और अभी भी देखो हम लोगों को डेस्टिनेशन बाकी है। तो आ चुके हैं हम लोग अपना दूध लेकर के भाई अमूल फैक्ट्री के अंदर, और इस वीडियो को भाई यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।